आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है जय माता रानी। तो देखिए मैगी कैसे तन्वी के सारे फ्रेंड के साथ कैसे खेल रहा है, और हम भी चाहते हैं कि वो एक फ्रेंकली बने, सबके साथ मिलजुल के रहे। हम ऐसा चाहते हैं, इसलिए हम उसे कभी बांध के नहीं रखते हैं, खुला छोड़ते हैं, और वो सबके साथ मिल के रहता है। तो तन्वी के सारे फ्रेंड सबको भी वो पहचान चुका है। देख देख, वो आशीष को भी पहचानने लग रहा है। नीक तेरा फंगिरा होए, नीक तेरा फंगिरा होए, खाली हाथ जज दी ना, ले जा तू फंगिरा होए। दोबारे आवे आवे नहीं आवे आवे, नीक तेरा फंगिरा होए। तो देखिए तन्वी कैसे अपने फ्रेंड लोग के साथ डांस कर रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूँ वीडियो। उसके बाद हम मैगी को लेके फिर से एक बार हॉस्पिटल गए थे, ताकि उसको वैक्सीन भी लगना था, ताकि उसे अगर हम बीच बीच में वैक्सीन देते रहेंगे तो अगर उसका नेल या दांत किसी को लगे तो प्रॉब्लम ना हो बोल के। और हम उसे विटामिन का मेडिसिन भी पिलाते हैं, बीच बीच में हम उसे हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उसके बाद उसको वैक्सीन लगने के बाद वो थोड़ा सा सुस्ती हो गया था, जैसे डॉक्टर ने हमें कहा था, जैसे छोटे बच्चे को वैक्सीन लगने से वो बीमार होते हैं टीका लगने से, वैसे अभी मैगी का भी टीका ही चल रहा है। तो बस उसको वैक्सीन लगने से वो थोड़ा सा बीमार टाइप का हो गया था। पर देखिए अभी हम पिज्ज़ा शॉप में हैं, तन्वी ने बोला मम्मी मैं पिज्ज़ा खाऊंगी, तो बस पिज्ज़ा शॉप में लेके आए हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो मैगी को लेके जाते हैं, ताकि वो हर किसी के साथ घुल मिल के रहे बोल के। और देखिए हम फिर रिटर्न घर आ गए। थोड़े देर तक मैगी थोड़ा सुस्ती महसूस करी, उसके बाद उसको फीवर नहीं आया, उसके बाद मैगी एकदम चंगा हो गई। आप खुद ही देख लीजिए। मेरा स्कूल है तो उसके लिए मैं सेट कर रही थी, और ये मेरे को परेशान करने आ गया, आ गई है। देखो वो बाहर कर रही है, क्योंकि मैं आपको फ्रंट कैमरा करती हूँ। देखिए मैं दरवाज़ा बंद कर दी हूँ, उसका बदमाशी देखिए, उसका बदमाशी देखिए, उसको आना है इधर, देखिए देखिए कैसे होता है। देखो अभी उसका रोना स्टार्ट, उसको एनी टाइम किचन में ही आना है। देखो क्यों किचन में आना है, क्यों किचन में आना है मैगी? क्या हुआ मैगी? मैं आपको खाना दूंगी ना। वो तब से बात तन्वी को और मैगी को लगा था भूख, तो बस तन्वी के लिए मैं फ्रूट्स कट कर रही थी। कैसा वाटरमेलन? मीठा है। सारा सोफा का हाल देखो कैसे करी है। फ्रेंड मैगी को देखो, हमेशा किचन में ही रहता है। मैं किचन में रहती हूँ, वो भी किचन में ही रहता है मेरे साथ। मैगी कम कम, मैगी कम। तो फ्रेंड हम मैगी को ना एक फैमिली मेंबर के जैसा ट्रीट करते हैं, कभी भी हम उसे बांध के नहीं रखते हैं, और वो हमारे साथ हर रूम में टहलता रहता है। उसका मन करता है तो कभी हमारे साथ वो सोने वाले रूम में चले जाता है, किचन में चले जाता है, वो हर रूम में टहलते रहता है। और बस बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने घर में पेट रखते हो तो उसको अच्छे से केयर करना है। और मैं आपको हर वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं मैगी को कैसे रख रही हूँ, क्या मैगी खाता है। एक दिन मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मैगी को क्या खिलाती हूँ। तो फ्रेंड आज मैं बनाने वाली हूँ डोनट, तो चलिए मेरे साथ किचन में। मेरा पानी गर्म हो चुका है, से टच करके देख रही हूँ, पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देंगे। उससे पहले देखिए मैं चीनी को ना ऐसे पाउडर बना के रख दी हूँ, तो आपको 2 स्पून ऐसे डालना है इस पर। तो फ्रेंड यहाँ पर ना मैंने ऑलरेडी उस गुनगुने पानी में 2 बड़े चम्मच चीनी पाउडर डाल ही दिया था, बट वो मैं सूट नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा मैंने डाला, ऑलरेडी मैंने पहले डाल चुका था। अब उसमें मैं ये दानेदार ईस्ट पाउडर होता है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है,
दानेदार होता है, बस मैं उसको गुनगुने पानी में डालना है उसे। उसके बाद अच्छे से एक दो मिनट फेंट देना है। मैंने लगभग 1.5 चम्मच के जितना ईस्ट डाला उसको फेंट देना है। फेंटने के बाद आपको जो मैदा आपने रखा था उसमें 1 अंडा डालना है। मैंने 1 ग्लास मैदा लिया था तो उसमें 1 अंडा डालना है। और ये जो आपने गुनगुने पानी में जो ईस्ट डाला था उसको डालना है। उससे पहले आप जो चीनी पाउडर करके रखे तो उसको डालना है। अपने हिसाब से आपको कितना मीठा खाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पानी में भी डाला हुआ है, तो बस वो चीनी पाउडर डालना। उसके बाद आपको ये जो घोल है आपने जो बना के रखा था ईस्ट पाउडर वाला, वो डाल के आपको अच्छे से गूंदना है। अगर आपको लगे कि ऊपर से एक्स्ट्रा मुझे पानी थोड़ा चाहिए तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। तो मुझे लगा थोड़ा सा लूँ तो बस मैंने ले लिया और उसको अच्छे से गूंदना है। हमने ऑलरेडी पहले से ईस्ट डाला है ना, तो ऐसा ही आटा थोड़ा सा फ्लफी टाइप का होगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। बस उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ये हाथ में चिपकेगा क्योंकि हमने इसमें ईस्ट डाला है, तो ये स्पॉन्जी होने के लिए हमने ईस्ट डाला है। तो बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऊपर से थोड़ा सा मैदा लेके उसके बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा गूंदना है। ये ऐसे गीला टाइप का ही रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। बस उसके बाद उसको थोड़ा सा अच्छे से गूंद के उसके बाद 10-15 मिनट उसको रेस्ट पे देना है। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि यह हाथ में चिपकेगा, पर ऐसा कोई नहीं है। किसी के सहारे इसको कट करके ऐसे निकालिएगा, हाथ से निकालने से वो हाथ से चिपक जा रहा था। बस हाथ में थोड़ा सा मैदा लेना है, उसको छोटा छोटा जैसे रोटी का जो लोई निकलता है उसी टाइप का, रोटी का जो लोई टाइप का आपको हाथ से निकालिए, तो हाथ से चिपक जा रहा है, मैंने आपको बोला था, इसीलिए मैंने चक्कू के सहारे उसको कट कर लिया है। और थोड़ा सा मैदा लगा लगा के इसको ऐसे गोला बना के उसको रख दिया। और जो मेरे पास जो दूसरा भी था उसको भी मैंने सेम प्रोसेस पे ऐसा करके उसका लोई बना लिया। लोई बना के उसको मैदा थोड़ा हाथ में लगा के उसको सभी को मैंने गोल गोल करके रख लिया है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना आगे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने सबको जैसे रोटी का जो लोया होता है उसी टाइप का मैंने सबको गोल गोल करके रख लिया। अब देखिए, मेरे पास ना एक बोतल का ढक्कन है, बस उस बोतल का ढक्कन को ना आप ना मैदे में थोड़ा सा डिप करिएगा, उसके ऊपर बस उस टाइप का जोर से स्प्रे करना है ताकि वो बीच से ऐसे गड्ढे हो जाए। उस ढक्कन को मैं मैदा में इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो ना उसमें चिपकेगा नहीं और इजीली वो निकल जाएगा बोल के। तो आपको भी ऐसा ही करना है, एक ढक्कन को मैदे में लेके उसको जोर से ऐसे प्रेस करना है ताकि उसका बीच का पार्ट वहीं रह जाए और साइड का पार्ट निकल जाए। तो बहुत इजीली वैसा बन जा रहा था। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरा सारा बन के रेडी हो चुका है, पूरा डोनट के शेप में देखिए कितना सुंदर बन चुका है। और अब मैं दूसरे तरफ देखिए, तेल मेरा गरम हो चुका था, तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है, गुनगुना गरम करना है। उसके बाद आपको एक एक करके डोनट डालते जाना है। तो देखिए डोनट कितना सुंदर फूल रहा था, इसलिए ताकि हम उस पर ईस्ट डाले थे और अंडा भी डाले थे, तो वो बहुत ही अच्छा फूल के और थोड़ा बड़ा बड़ा शेप में बन जा रहा था। बस आपको ऐसे ब्राउन ब्राउन करके उसको धीमी धीमी आंच में सेकना है ताकि उसका अंदर का भी बहुत अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड देखिए, एक एक करके सबको तल देना है। और देखिए, मैंने वो न्यू वाला मेरा हॉटकेस आज मैं यूज करी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी आगे, देखिएगा। तो देखिए, मेरा दूसरा वाला पार्ट भी एक एक करके आप डालते जाइए। देखिए एक एक करके उसको भी मैं आराम से तल दे रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मेरा कितना अच्छा ब्राउन ब्राउन होके लाल लाल होके सुंदर से तल गया। और देखिए, ये जो मेरा न्यू हॉट केस है जो मुझे सॉन्ग में और मॉडलिंग शो में जो मुझे मिला था, तो बस वही आज मैंने न्यू मेरा जो हॉट केस है उसको मैं निकाली हूँ और कुछ न्यू रेसिपी के साथ उसको मैंने यूज किया है। तो देखिए, बस मेरा डोनट हो गया है रेडी। अब मैं उसको कैसे डेकोरेट करती हूँ। देखिए, जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीनी का पाउडर बचा था ना,
बस उस चीनी के पाउडर में देखिए सारे डोनट को मैं उलट पलट के सब तरफ लपेट दे रही हूँ, चीनी का कोट दे रही हूँ ताकि वो और मीठा हो जाए और बच्चे लोग को पसंद आए बोल के। ये जो चारों तरफ ये चीनी का जो पाउडर है बस उसी का मैं चारों तरफ कोट लगा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट सॉस। अगर आपके पास अगर वाइट चॉकलेट सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था तो बस मैं अपना चॉकलेट सॉस के साथ ही इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और तो फ्रेंड बताइए कैसा दिख रहा है, डिलीशियस दिख रहा है ना। तो फ्रेंड इसी प्रोसेस में आप भी बनाइए और खाइए, सच में बहुत ही टेस्ट था। अभी तन्वी आपको बताएगी कैसा लग रहा है। टेस्टी है, हैप्पी हैप्पी। तो बहुत दिन से बोली थी ना मम्मा डोनट बनाओ, देखो इसका बीच का भी देखो कैसा स्पॉन्जी हुआ है, देखो पूरा ब्रेड के जैसा देखो स्पॉन्जी। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो जो मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, टाइम नहीं होता है और कुछ दिन से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय माता रानी, जय हिंद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।